जमुई के झाड़ा स्थित एक हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में लोगों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों का आरोप था कि डॉक्टर के द्वारा पैसे लिए गए हैं और इलाज में लापरवाही भी बरती गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल का नाम राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट बताया जा रहा है, जहाँ एक 19 वर्षीय युवक का अपेंडिक्स ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद परिजन इलाज से संतुष्ट नहीं पाए गए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दिया। वहीं डॉक्टर ने भी इस बात का खंडन करते हुए कहा कि हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी प्रकार के पैसों की उगाही नहीं की गई है, यह कहीं ना कहीं साजिश है और सभी मरीजों का यहाँ बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है। वहीं डॉक्टर ने कहा कि सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का इल्जाम लगाना कहीं ना कहीं साजिश के घेरे में आता है। हम सर बेंगलोर में था ना, ना हम वहाँ से हम आए कल। ये यहाँ पर अस्पताल में कब भर्ती करवाए थे मरीज को? बुधवार को। जी। और किसका ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे? अपेंडिक्स का। कितने दिन तक अभी तक अस्पताल में ही रखा गया आपके मरीज को? नहीं, कल छुट्टी दे दिया था, बोला ले जा बच्चा को। बोला की सर आदमी आ गया ज्यादा। अभी तो हमको फोन आया था कि ऐसा कंडीशन हो गया है कि एक हॉस्पिटल में जो है एक लड़का का लापरवाह तरीके से इलाज कर दिया गया। देखिए, मैंने इस विषय में डॉक्टर साहब से बात किया कि आप ट्रस्ट चला रहे हैं और बता रहे हैं निःशुल्क ले रहे हैं, तो फिर आप पैसा कैसे लिया? 25,000 रुपए। डॉक्टर साहब ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को जो हमारे यहाँ इलाज कराने आएंगे ऑपरेशन के तौर पर, तो उनका फ्री होगा, लेकिन उसके बीते दिन कोई दिन आएगा तो उसमें पैसा लगेगा। देखिए, ये घटना बिल्कुल ही इसमें कोई सच्चाई है नहीं, ये जानबूझकर मेरे खिलाफ एक साजिश खेली गई है। इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट ये एक तरह का जो है प्लानिंग के साथ ये गेम रचा गया है, माइंड गेम किया गया है, और इसमें कोई सच्चाई है नहीं। मुझे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में जो है कोई पेमेंट कोई पैसे ली जाती नहीं है, ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देखिए, आज के वक्त में अगर कोई भी पेमेंट करता है तो उसका एक बिल होता है, बिल मांगते हैं, वो बिल दी जाती है, तो अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि हाँ इतना पैसा लिया गया है तो वो मुझे प्रूफ दिखाएं, अगर वो दिखा दें तो ऑलरेडी हम पनिशमेंट के शिकार हो जाएंगे, लेकिन वो क्यों दिखाती क्यों नहीं है? वो तो सिर्फ क्लेम लगाने से ये नहीं होता है कि मैंने इतना दे दिया उतना दे दिया, इसमें कोई सच्चाई नहीं। देखिए, ये हॉस्पिटल झाझा में जो खोला गया है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, इसका मेन मिशन ये है कि यहाँ के गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट देखा जा सके। एक अपेंडिक्स भी होता है तो आज के डेट में इस झाझा में 20,000 से 25,000, 30,000 ले लेते हैं डॉक्टर। मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 20 से 30,000 अपेंडिक्स में लोग डॉक्टर लेते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन चार्ज कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ दवा आप ले लें और ऑपरेशन करा लें। देखिए, एक पेशेंट का जो कंप्लेन है तो मैंने उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मैं यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा मैंने उनको अपने पैसे से भेजा है, इस ट्रस्ट के द्वारा जो ये फंड में पेमेंट है उस पैसे से मैंने इनको पटना भेजा है, ताकि वो वहाँ से डिस्ट्राइड हो जाएं कि किसी तरह का ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ भी इस पेशेंट को कोऑपरेट मिलेगा हर तरह से, और एक पैसा खर्च वहाँ भी इस पेशेंट को नहीं आया। पेशेंट की हालत कैसी थी अभी? देखिए, कंडीशन ठीक है, बस हिकअप है, एक हिचकी है और माइनर हाइपर एसिडिटी इसको कहते हैं, गैस बनना, इसी को लेकर सर कहीं ना कहीं लोगों में। जी हाँ, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बीपी नहीं मिला तो पल्स नहीं मिला। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान का बीपी नहीं मिलता है, पल्स नहीं मिलता, तो वो जिंदा रहेगा क्या? अभी अभी जो न्यूज़ मुझे मिला है कि रास्ते में बच्चे उठकर बैठ गए हैं, वो खाना मांग रहे हैं खाने के लिए, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बीपी सही है, पल्स सही है, तब तो जाकर वो नॉर्मल बैठे हुए हैं और खाना मांग रहे हैं। पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रही है। मैं क्या बोलूँगा, आप किसी पेशेंट से पूछ ले जाकर कि आपने कितना खर्च दिया डॉक्टर को, वो बताएंगे नहीं कोई खर्च नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आया है, मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ है।